हेलो दोस्तों, तो अभी मैं NH 31 चौक नियर कपस्या बिहार साइड इंडियन ऑयल सुल्तानिया पेट्रोल पंप बेगूसराय में मौजूद हूँ। और सुल्तानिया पंप से जो स्टार्ट होके एलिवेटेड फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ है, कुछ साल पहले ही इस बेगूसराय में फ्लाईओवर बनेगी, इसकी जानकारी नेताओं के द्वारा दी गई थी। और कुछ ही महीने पहले ही इस फ्लाईओवर का निर्माण जो है सुल्तानिया पेट्रोल पंप से देख सकते हैं कि शुरू हुआ था। और अब भी जो है ये फ्लाईओवर कहां तक बनकर तैयार हो चुकी है और कब तक बनकर तैयार होगी और कहां तक इसका काम पहुंचा है, तो पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और कुछ पूछना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये फ्लाईओवर का काम जो है काफ़ी स्पीड से किया जा रहा है और काफ़ी मजबूती से ये काम फ्लाईओवर का किया जा रहा है। और इस फ्लाईओवर को जो बना रही है उस कंपनी का नाम है ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड कंपनी, जो कि इंडिया की सबसे जो है पहले फर्स्ट में ये रैंक करती थी कंपनी फ्लाईओवर बनाने के मामले में पूरी इंडिया में। लेकिन फ़िलहाल में ये कंपनी दूसरे नंबर पे रैंक कर रही है और ये कंपनी काफ़ी अच्छे काम करती है फ्लाईओवर बनाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये फ्लाईओवर का काम जो है तेज़ी गति से किया जा रहा है। ये टाउनशिप का गेट है, बेगूसराय टाउनशिप का गेट। और मैं आप लोगों को पूरी दिखाने वाला हूँ कि कहाँ तक इस फ्लाईओवर का काम जो है हो चुका है। और ये जो है फ्लाईओवर जब बन के पूरा तैयार हो जाएगा तो आम लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि इस NH 31 पे बेगूसराय में काफ़ी जाम जो है लग जाती है। इसके कारण पब्लिक लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसी के लिए जो है ये फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। और ये फ्लाईओवर के बन जाने से काफ़ी जो है लोगों को सहूलियत मिलेगी और जाम से जो है निजात मिल जाएगी आम लोगों को। और बेगूसराय वासियों के लिए ये काफ़ी ही अच्छा तोहफा होगा, क्योंकि इस फ्लाईओवर के बन जाने से जाम का समस्या जो लगा रहता है बेगूसराय में, वो जाम का समस्या ख़त्म होगा। और ख़त्म होने के साथ साथ काफ़ी जो है विकास की ओर भी बढ़ेगा बेगूसराय। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये फ्लाईओवर का काम जो है काफ़ी स्पीड से किया जा रहा है। और देख सकते हैं आप लोग, मैं आ चुका हूँ हर हर महादेव चौक पे। और हर हर महादेव चौक तक जो है इसका पिलर का काम हो के और हर हर महादेव चौक से आगे भी इसका काम किया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है एलिवेटेड प्रोजेक्ट के तहत ही इसको बनाया जा रहा है। और ये फ्लाईओवर 4 लाइन का होगा और इसकी कुल जो है किलोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो 4.9 किलोमीटर, लगभग समझ लें कि आप 5 किलोमीटर इस फ्लाईओवर की पूरी लंबाई होगी। और पिलर की जो है लंबाई चौड़ाई भी काफ़ी अच्छे से रखी गई है। और काफ़ी, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, ट्रांसलेल कंपनी जो है फ्लाईओवर बनाने के लिए ही जानी जाती है और काफ़ी अच्छे काम इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। और इसकी कुल लागत की अगर मैं बात करूं तो 256 करोड़ की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। और जो है
इस फ्लाईओवर के बन जाने से काफ़ी जाम में निजात बेगूसराय वासियों के साथ साथ आम जनता को मिलेगी। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए जानकारी लिए आता हूँ, तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और 500 सब्सक्राइब पूरने पे मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ गिफ्ट भी करने वाला हूँ। तो आप लोग जल्दी से 500 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करिए और तब मैं गिव अवे कंटेंट्स रखूँगा, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देख सकते हैं इसको जो है पाइलिंग मशीन बोला जाता है, खुदाई में काफ़ी ही जो स्पीड से काम किया जाता है इस पाइलिंग मशीन के द्वारा। तो देख सकते हैं आप लोग ये अब जो है फ्लाईओवर ख़त्म हो चुकी है और जो है ये फ्लाईओवर ख़त्म जो है C49G+6VR9 गुंजन बाजार जो है टाउन थाना चौक में इस फ्लाईओवर की जो है समाप्ति अभी हुई है। और कोऑपरेटिव कॉलेज जो है इससे पहले ही इस फ्लाईओवर की जो है आप लोग देखिएगा कि फोर चार तरफ का रास्ता गया है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो है इस फ्लाईओवर का काम अभी तक हुआ है। तो जब ये फ्लाईओवर पूरी तरह से बनके तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए इसका वीडियो लिए आऊँगा। और इस फ्लाईओवर के बीच में जो है रोड के बीच में जो है बनाया जा रहा है, रोड के बीच में जो है कैसे पिलर का जो है काम किया जाता है, तो उसका भी वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाऊँगा। आज मैं अंदर से नहीं दिखा पाया क्योंकि आज जो है बारिश हुई थी, बारिश होने के कारण जो है अंदर में काफ़ी कीचड़ था तो जाने के लिए नहीं दिया गया, इसी वजह से मैं आप लोगों को अंदर का नज़ारा नहीं दिखा पाया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।